माशाल्लाह, ये आज हम झंडवाल की तरफ जा रहे हैं। झंडवाल शिमजारी से ऊपर एक खूबसूरत मकाम है, ये झंडवाल का रोड है। और ये कुछ हमारे भाई मकामी जो हैं वो क्रिकेट खेलते हुए, और ये नीचे नदी में आप देख सकते हैं पानी जा रहा है। यासिर साहब, हुज़ैफ़ा, हिशाम और एहसन वो जा रहे हैं मेरे साथी। और ये आप देख सकते हैं जी, कितना खूबसूरत मंज़र है। हुज़ैफ़ा कोशिश कर रहा है कि वो इस टूर को कवरेज दे, मुनासिब कवरेज दे। बहरहाल एक बेहतरीन जगह है ये। बहुत दिन हो गए थे कि हाइकिंग का मूड बन रहा था, और चूँकि सेहत इस कदर अच्छी नहीं है मेरी, फिट नहीं ना महसूस कर रहा, तो उसी सबब से मैंने आजकल कोशिश करता हूँ कि वीकेंड पे जाऊँ और कुछ ना कुछ खेलूँ या हाइकिंग करूँ। तो ये मैंने सोचा एक बेहतरीन ट्रैक है। ये देखिए हमारे साथी जो हैं वो बैठ गए हैं। बेहतरीन क्रिकेट हो रही है यहाँ पर, इस जगह पर भी खेत बनाए हुए हैं। खूबसूरत मकाम माशाल्लाह। ये देखें ये रोड, बेहतरीन रोड जाता हुआ, और ऊपर भी बच्चे खेल रहे हैं। और ये हमारे साथी बैठ गए। चीड़ के जंगलात नए दरख्त भी बिल्ली एंट्री वाले उगे हुए हैं। झंडवाल वो पीछे है, और यहाँ पर गुजर, आवान और सादात तीन लोग आबाद हैं। झंडवाल कई अनुमानों से पहचाना जाता है। बहरहाल यहाँ के लोग ज़रात मवेशी पालते हैं, और ज़्यादातर का कार और कारोबार यही है, कुछ ड्राइविंग वगैरह के साथ भी मुंसलिक हैं। वो ऊपर एक घर आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला इस जगह की रौनकों को मज़ीद इजाफा फरमाए। यहाँ अगर जंगल हो जाए और घने हो जाएँ तो बहुत ज़्यादा और भी इस जगह की खूबसूरती में इजाफा होगा, और बेहतरीन एक जगह, बेहतरीन और पुरसकून माहौल। आप सब भी आएँ, इस ट्रैक को एंजॉय करें। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।